शैलेंद्र कुमार झा आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर बर्वत सेना बेतिया इसके पहले हम लोग पोलोमियल के बारे में पढ़े थे और पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज वगैरह भी बना लिए थे उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए थे अब हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास टेन के लिए है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमको पढ़ना है इसके पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग इसके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़े थे जिसका जनरल फॉर्म था एक्स प्लस बी इजकल टू सी वेर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स इसको हम लोग पढ़े थे फॉर एग्जाम्पल टू एक्स प्लस थ्री इजकल टू फाइव टू एक्स इजकल टू फाइव माइनस थ्री टू एक्स इज्कल टू टू एक्स इजल टू वन यहाँ एक्स इजल टू वन मिला यानी एक्स का वैल्यू वन आया क्योंकि लीनियर है और लीनियर का वन सॉल्यूशन होता है इसलिए एक सॉल्यूशन आया वन तो फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन टू वन वेरिएबल वी कैन ऑफटेन दिस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स हम लोग ऑप्शन एक चूंकि लीनियर इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन में और एक वेरिएबल वन वेरिएबल का है इसलिए वो एक सॉल्यूशन होगा और उसको हम लोग निकाल लिए अब हम लोग दूसरा विचार करते हैं दूसरे पर कंसीडर करते हैं वी हैव टू स्टडी अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नाउ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो वेर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए नॉट इजकअल टू जीरो बी नॉट इजकल टू जीरो अर्थात ये हम लोगों ने अब तक तो एक वन वेरिएबल के बारे में पढ़े थे अब पढ़ रहे हैं टू वेरिएबल एक्स और वाई इसमें दो वेरिएबल्स हैं टू वेरिएबल्स हैं और इस जैसे इसमें एग्जाम्पल है कि x प्लस वाई इज्कल टू फाइव और y इजकअल टू फाइव माइनस एक्स हम x और y का वैल्यू जब पुट करते हैं व्हेन x इज्वल टू जीरो पुट करते हैं इस इक्वेशन में सपोज इक्वेशन वन तो y का वैल्यू हमको फाइव आता है जब x का वैल्यू पुट करते हैं वन तो वाई वैल्यू फोर आता है जब एक्स का वैल्यू टू पुट करते हैं तो वाई का वैल्यू थ्री आता है फाइव पुट करते हैं तो जीरो आता है इस प्रकार हमने देखा कि एक्स और वाई का डिफरेंट वैल्यू आया कोई निश्चित कोई एब्सोल्यूट वैल्यू हमें प्राप्त नहीं हुआ फ्रॉम दिस इक्वेशन इन टू वेरिएबल द वैल्यू ऑफ x एंड y आर डिफरेंट तो अब इसके लिए एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम लोग दो इक्वेशन को लेते हैं तो इसलिए कहते हैं ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अब हम लोग पढ़ेंगे ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसका एक डिफिनेशन है कि इफ टू लाइंस इफ इफ टू लीनियर इक्वेशन हैव हैव द टू सेम वेरिएबल्स दे आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यदि दो इक्वेशन में दोनों वेरिएबल दोनों में समान हो तो वह कहलाता है दो इक्वेशन है अगर दोनों का वेरिएबल सेम हो तो वह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है जनरल फॉर्म इसका होता है कि यहां पर ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन एंड सी टू आर रियल नंबर ये सभी कॉन्स्टेंट है होगा ये रियल नंबर है अब हम लोग पढ़ेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट एंड सॉल्व बाय दी फॉलोइंग मेथड्स हम लोग क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो मेथड से मतलब बनाते हैं एक ग्राफिकली मेथड से इसका सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं और एक अल्जवरिक मेथड से प्राप्त करते हैं तो अभी हम लोग ग्राफिकली मेथड ही पढ़ेंगे ग्राफिकली मेथड में ध्यान दीजिएगा कि जैसे फॉर ए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइंस यानी ये इसका नि, कहना है अर्थ है कि फॉर ए गिवन पेयर ऑफ लीनियर अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है टू वेरिएबल का तो उसका ग्राफ जो रिप्रेजेंट होता है उसमें टू लाइन होता है टू लाइन आइदर इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या कॉन्साइड करेगा तो इसमें से फर्स्ट इसमें हमारा पास हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इस्कल टू जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू स्कल टू जीरो इसके लिए कुछ कंडीशंस है ध्यान देना है कि इफ द लाइंस इसका जो ग्राफ खींचेंगे टू लाइन्स होगा इसका इस ग्राफ का जो हमारा हमारे पास ले पियर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है दो इक्वेशंस है दो इक्वेशन में दो लाइंस होंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वह स्ट्रेट लाइन होता है तो यहाँ पर दो इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन होगा ये दो स्ट्रेट लाइन या तो इंटरसेक्ट करेगा या तो पैरेलल होगा या कॉन्ट कॉन्सिडेंट होगा एक दूसरे पर संपाती होगा तो फर्स्ट कंडीशन में इफ द लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट दैट पॉइंट गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन फॉर द टू गिवन इक्वेशंस फॉर एग्जाम्पल इसमें आपका एक सिचुएशन बनता है ए वन बाई ए टू नॉट इजकअल टू बी वन बाई बी टू तो इसमें सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा और इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा दिस तर, दिस टाइप ये देखिए इक्वेशन वन और इक्वेशन टू एक दूसरे को यहाँ पर काट पी पॉइंट मान लो सपोज पी पर काटता है तो यहाँ पी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये एक्स और वाई उसका सॉल्यूशन बताएगा सिमिलरली सेकेंड कंडीशन का इफ द लाइन्स कंसाइड कंसाइड्स देर आर इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसके लिए सिचुएशन है कंडीशन है ए वन बाय ए टू ए वन बाय ए टू इजक्ल टू बी वन बाई बी टू इजकल टू सी वन बाई सी टू इस तरह का अगर कंडीशन हमारे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का दिया हुआ है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा और ग्राफ होगा टू ये जो यहाँ पर टू लाइन विल भी कॉन्सीडेंट यानी एक दूसरे को क्या करेगा एक दूसरे पर जैसे इक्वेशन फर्स्ट का जो ग्राफ है एक और उसी पर दूसरा जाएगा इक्वेशन टू का ग्राफ इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा तीसरा कंडीशन इसके लिए है इफ द लाइन्स आर पैरल देर इज नो सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर अगर दोनों लाइन जो ग्राफ होगा दोनों इक्वेशन का अगर वह पैरल हो गया एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करता है किसी पर इंटरसेक्ट नहीं करता है तो ऐसे का कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा दर इज नो सॉल्यूशन एंड द टू लाइन्स आर पैरल टू ईच अदर आप एग्जाम्पल भी यहाँ देख सकते हैं ग्राफ पर मैंने दिखाया है आपको दिखा रहे हैं ये ग्राफ पर ये क्वेश्चन वन है और ये क्वेश्चन टू का लाइन है एक दूसरे को कहीं टच नहीं कर रहा है एक दूसरे से पैरल है इसलिए यह पैरल होगा तो ऐसे कंडीशन के लिए हम लोगों ने अभी तक पढ़ा इंटरसेक्टिंग ग्राफ पढ़े कॉन्फिडेंट और तीसरा पढ़े पैरल और तीनों का कंडीशन भी आपने देखा कि टू टू नॉट इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। इफ ग्राफ अब कभी कहा जाता है कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या है कंसिस्टेंट सिस्टम ए पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेरिएबुल्स हैड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन ऐसे पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन पॉसिबल हो वन हो या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो वह कंसिस्टेंट कहलाएगा और दूसरा है इनकंसिस्टेंट सिस्टम एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबुलट है इनकसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं होगा इसमें हम आपको बता रहे हैं वैन टू लाइन इंटरसेक्ट इच अदर ऑन द ग्राफ दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट विल बी दॉल्यूशन विल बी सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लिनियर एजुकेशन इन टू वेरिएबल यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वह जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वह वही उसका सॉल्यूशन होगा अब मान जैसे कि हमने कहा कि कौन सा कॉन्सीडेंट जो है कौनसाइड कर रहा है जो लाइन उसमें मेनी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए उसका मेनी सॉल्यूशन होगा और इंटरसेक्टिंग में वन पॉइंट पर इंटरसेट कर रहा है इसलिए वन सॉल्यूशन होगा और इफ़ नॉट इंटरसेक्ट देन नो सॉल्यूशन अगर कहीं इंटरसेट करता है तो उसका नो no सॉल्यूशन होता है इस प्रकार आप ग्राफ पर एक्सरसाइज बनाएंगे सवाल बनाएंगे दैट्स सॉल